प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी का मामला हाईकोर्ट में, आज मामले की सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव की तरफ से पत्र लिखा गया है, हाईकोर्ट द्वारा पत्र को याचिका मानकर आज सुनवाई की जाएगी। याचिका में कहा गया, केंद्र और राज्य सरकार ऑक्सीजन को लेकर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और इस मामले की सुनवाई होनी है आज हाईकोर्ट में। बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार ऑक्सीजन को लेकर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भुगतना तो जनता को पड़ रहा है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की खबरें अब जोर पकड़ती जा रही है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से पत्र लिखा गया है, हाईकोर्ट द्वारा पत्र को आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि एक दूसरे पर जिम्मेदारी ये डाले जा रहे हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए A1 संवाददाता मनीष चतुर्वेदी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनीष, विस्तार से इस खबर पर हमारे साथ अपडेट साझा करें। देखिए, भारतीय प्रदेश में कोरोना महामारी का जो प्रकोप है लगातार जारी है। कोरोना की वजह से लगातार जो डेथ के केसेज हैं वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, और जिसका मुख्य कारण यही माना जा रहा है कि ऑक्सीजन की जो कमी है वो बड़ी वजह है। और अब ये ऑक्सीजन की कमी का जो मामला है राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो महासचिव है, इन्होंने हाईकोर्ट प्रशासन को यह लेटर लिखा था कि राजस्थान के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी है उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, और इसी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब ऐसे के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को आपस में तालमेल रखना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और मैं आपको साथ के साथ बता दूँ, आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जिस तरीके से इस मामले में सुनवाई होगी तो यही कहा गया है कि इस मामले में केंद्र सरकार से प्लान मांगा गया है कि जिस तरीके से कि पूरे देश के अंदर जो ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, उनकी क्या व्यवस्था है, केंद्र सरकार के पास में क्या प्लान है, और राजस्थान के जो राज्य सरकार हैं उनके पास लॉकडाउन का क्या अधिकार है। तो हाईकोर्ट के अंदर भी आज इस मामले में ऑक्सीजन की कमी को लेकर अहम सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज इस मामले को लेकर अहम सुनवाई होगी। तो दोनों कोर्ट के अंदर आज इस मामले में अहम सुनवाई होगी। साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, भारती, की जिस तरीके से लगातार जो ऑक्सीजन की जो कमी की बात सामने आ रही है, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो काफ़ी इस मामले को लेकर गंभीर हैं। और अशोक गहलोत जो हैं उन्होंने कल इस मामले में केंद्रीय कैबिनेट जो सचिव है राजीव गाबा उनसे इस मामले में चर्चा की थी, इस मामले में बातचीत की थी कि राजस्थान के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी है इस मामले को तत्काल तरीके से जो है इसको मतलब इस में डिमांड पूरी की जाए, ऑक्सीजन की यहाँ पे व्यवस्था की जाए। इसके बाद में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन्होंने जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला उनसे भी इस संबंध में बात की थी, तो ओम बिरला ने उनको आश्वासन दिया था कि ऑक्सीजन की कमी है वो राजस्थान में नहीं आने दी जाएगी। और उसके बाद में सीएस निरंजन आर्य के साथ में जो केंद्रीय कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा उनकी मीटिंग हुई थी, और जो ऑक्सीजन की कमी है इसको लेकर राज्य सरकार लगातार मीटिंग कर रही है। कल शाम को भी कैबिनेट की जो है इस संबंध में मीटिंग हुई थी, राजस्थान के अंदर ऑक्सीजन की कमी वेंटिलेटर को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर मीटिंग के अंदर चर्चा की गई थी। और आज राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर ऑक्सीजन का जो मामला है ये यहाँ पे जो है कुछ देर बाद में यहाँ पे सुनवाई होगी, और सुनवाई के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में क्या आगे अपना रुख तय करता है यह भी थोड़ी देर बाद में क्लियर हो जाएगा। मनीष, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सभी के बीच में पिसना तो जनता को पड़ रहा है, उस पेशेंट को पिसना पड़ रहा है जो ऑक्सीजन के लिए वेट करता है कि समय पर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाए, इन सबके बीच उस जनता का क्या? देखिए, काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है जब ऑक्सीजन की वजह से किसी पेशेंट की डेथ होती है, और ऐसे में अब यह मामला जो है राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर आ गया है। तो जिस तरीके से यही माना जा रहा है कि कल दिल्ली के अंदर जो हाईकोर्ट ने दिल्ली की सरकार को कहा था कि किसी भी तरीके से के सरकार जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था करे, ऐसा ही अगर इस तरीके से अगर हाईकोर्ट का अगर रुख रहता है तो हाईकोर्ट ये सरकार को भी यहाँ पे भी ये स्टैंड कह सकती है, ये बात कह सकती है, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसकी वजह से कम डेथ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार है दोनों आमने सामने ऑक्सीजन को लेकर हो चुकी है, राज्य सरकार की तरफ से लगातार जो है केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन के मामले में जिस तरीके से राज्य सरकारों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान जो है आज के समय में जो कोरोना की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे केस पार हो चुके हैं, और रोजाना तकरीबन 50 से 60 से ज़्यादा यहाँ पे जो डेथ केस सामने आ रहे हैं।
तो ऐसे में राजस्थान जो है आज देश के अंदर छठे स्थान पे आ चुका है जहाँ पे कोरोना की सबसे ज़्यादा जो है खतरनाक स्थिति देखी जा सकती है। और वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीजन देने को लेकर तो पूरे देश के अंदर राजस्थान को 70वें नंबर पे रखा गया है कि यहाँ पे 70वें नंबर पे राजस्थान को जो है ऑक्सीजन देने के लिए वरीयता क्रम के अंदर रखा गया है। जबकि हम बात करें तो मध्य प्रदेश है, हरियाणा है और गुजरात है, वहाँ पे राजस्थान से कम जो है पोजीशन कोरोना की महामारी की देखी जा सकती है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं ऑक्सीजन देने को लेकर तो केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात तो वहाँ पे जो है ऑक्सीजन की सप्लाई राजस्थान से ज़्यादा दी जा रही है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार की तरफ से लगातार जो है ये केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया, यही कहा गया राजस्थान सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई है वो किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाए और राजस्थान को प्रॉपर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाए ताकि यहाँ पे जो मरीजों को हैं ऑक्सीजन की वजह से दम नहीं तोड़ना पड़े और मरीजों को सही समय पर ऑक्सीजन की जो उपलब्धता हो सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समय राजनीति का नहीं है और ना ही ऐसा मुद्दा है कि जिस पर राजनीति की जा सके, भेदभाव किया जा सके। कहीं ना कहीं कोई ना कोई निर्णय तो निकालना ही होगा ताकि इस कमी को दूर किया जा सके और जनता कम से कम अपना इलाज तो करवा सके।